दोस्त पहाड़न, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, तो मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ सरोज पहाड़न ब्लॉग में। तो आओ करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो दोस्तों हल्की हल्की सी धूप और वो देखिए कितना सुहाना सा मौसम हो रखा है। तो रोज़ की तरह अपना काम धाम निपटा करके अब मैं जा रही हूँ दुकान में। तो क्या कुछ खास रहता है आज के दिन बताऊंगी अपने ब्लॉग के माध्यम से। सबसे पहले तो आज हमारी मीटिंग है, मीटिंग में जाना है हमको ब्लॉग से बाजार में। ये देखो, ए माय गॉड क्या जंप मार रहे हैं। इनको चोट नहीं आती होगी क्या? मेरे को पटकाने आएंगे ना यहाँ। बड़ी आई हमारी वीडियो बनाने वाली। ओह माय गॉड, देखो इनके करतब कितने हैं। वो कम से कम 15-20 साथ छुप गए हैं वहां सारे। ओह माय गॉड अरे भाभी लोगों का नुकसान ये हो रहा है इनका एंजॉय। तो हो गई है मेरी बन्नो तैयार, चलते हैं हम लोग। है हेलो माहिर। ओ माहिर कहाँ जा रहा है? बुआ को प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम। कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? अरे पहले बता ना कहाँ जा रहा है। यहाँ बता, मुझे बता कहाँ जा रहा है। विटामिन पीने? मैं भी आ रही, ठीक है मैं भी पीऊंगी। हाँ मैं भी पीऊंगी। बाय। अच्छा बाय भी कर दे, बाय। पहुँच गई हूँ मैं दुकान और पहुँच गई है कब्बू रानी। ए कब्बू, अरे कबूली। हाँ। हेलो गाइस। अब गमगीन वाला स्टेटस लगा रखा था मैंने। इसको अच्छी पूछा वीडियो, अच्छी वीडियो थी ना। अच्छा मैंने इसको पूछा तो इसने कुछ बताया नहीं। बता अब बता दे, मेरे पास बताएगी तो फायदे में रहेगी, नहीं बताएगी तो इसलिए बता दे। कुछ नहीं था सही में। अच्छा बस ऐसे डाल दो। तो दोस्तों पूरा 2:15 बज चुका है। तो आज हमारी मीटिंग थी, मीटिंग बहुत लेट से शुरू हुई तो बहुत देर तक हो गई। और अब मैं आ गई हूँ घर। तो मैं सुबह दाल वाल बना के गई थी, अब चढ़ाती हूँ चावल। और मेरे को मिली मट्ठी की बोटी, कोई मट्ठा लेके आया था। तो थैंक यू, नमस्ते। तो ये टुक टुक गई थी 2 दिन के लिए और आ रही है 10 दिन में। बेटा ऐसे करके कैसे होगा, बहुत मुश्किल है। लाओ डंडा, मैं डंडे से इसको मारूंगी। हैं शरीर तो हमारे सामने तो तू ठीक थी। तूने कहा मैं 1 दिन के लिए जा रही हूँ बर्थडे के लिए। पूछो क्या हालत हो रही थी। ए भाई ठीक है, तो क्या बोल के गई कि मैं आज जा रही, कल रहूंगी बस दुकान आ जाऊंगी। नहीं बना रही मैं, नहीं बना रही मैं। नहीं तो कितना हर जगह सावन के पहले लोग इतनी मेहंदी लगाने आ रहे हैं। तो फोन क्यों उठाया? मैसेज तो खूब किया था, तो वही तो कर रहा है मैंने कसम से। तो जब मैंने किया तुम्हें उठाया थी नहीं फोन? अरे नहीं चार्ज नहीं था, फिर बाद में देखा मैंने आपकी कॉल थी। तो आपने मम्मी के फोन से कॉल की, पापा के फोन से कॉल की? ना मम्मी को खुद खत्म हो गया। मैंने कल ही पकड़ा है, मैंने कल सुबह 500 रुपए दिए अपने था और मैं लगा कर रहा हूँ। कितने दिन कहा रहे? कहा था कि 2 चक्कर लगे मेरे, सर्जन ही नहीं मिल रहा। कि सर्जन को क्या दिखा? तू तो हाँ बर्थडे में गई थी, हाँ तो सब हाँ, बात कर रही। पहले मैं बर्थडे में गई, फिर उसके बाद मैं घर पे आ गई, ताई ने बोला गई, कैंसिल हो गया। कैंसिल था, कैंसिल भी कैंसिल।
फिर जाएगी तब 10 दिन फिर रह के आना। वो तो जाना ही है मेरे को। ऐसे जाता तीजन में तो जाना ही जाना है। एक ही बार जाऊंगी 20 तारीख को। अगर 20 को जाएगी तो कितने तारीख को? अगर वो सर्जन नहीं शादी का देख सकाल देखो अपनी 12 बजे की सकल में आँखों के नीचे देख के काले घेरे कर यहाँ मार तो दिया यहाँ देख इसके 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 आँख दिखा तो इसके आँख पर कितना ये देखो कितने काले घेरे पड़ रखे हैं। तो इस बीच कितना हो रहा है ये तो होगी नहीं। हाँ ये क्या है ये आजकल ये हमने बनाया इसकी चुटिया सुबह आ गई थी वो हमने बनाया इसके बाद देख रिया क्या परफेक्ट काम करने लगी है। कल रिया ने हमको ट्रीट भी दी हम परसों घूमने गए थे घर ही पे थी मैं यहाँ पे बैठा हुआ तू वहाँ चली गई थी। नहीं उस दिन उसी दिन तो आई थी फिर शाम को मैं घर ही में रही। उस दिन मैं तू कब से आ रखी है 10-11 बजे से आ गई थी। फिर दोबारा भी तो राउंड लगा मेरा 2 राउंड लगे मेरे घर पे आके आके भी दोबारा गई भाई क्या गया? इसलिए हमने इसने तुझे मैसेज किया कि तू कहाँ है। मैंने जब इनको करा तो इन्होंने मेरे को रिप्लाई नहीं करा। मेरा फोन खराब हो गया भाई और मैंने वो करा तो रिप्लाई नहीं तो फोन खराब हो गया। तब रिया का कल रात को आया मैसेज मैंने कहा तब रिया को बोला मैंने कहा आ रही मैं कल से हमने तो सारी प्लानिंग करी थी कि ऐसा 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 तो तू ही नहीं आई। मेरे को बताया मैंने कैसे को मार के गाइस गाइस कर तो है तो आज मेरे ब्लॉग में पिंकी भी पिंकी तू शादी के बाद पहली बार आ रही ना है और कल लड़ी तीसरे आज तो ये रोशनी की बड़ी बहन है। अब हम रोशनी से ही इंट्रो कराएंगे उसका है ना। तो कैसा रहा टूर? हमको तो डर लग गई थी कि तुम लोग कुल्लू मनाली जा रखे हैं। वही तो यार बहुत डर लग गई थी भाई कि कैसे होंगे क्या। लेकिन ये सेफ प्लेस पे थे पर वो था तो हाईवे ना वाली जा रोड। तो नेहा भी उतनी आज दिखने लगी है तो नेहा का थकान लगी थी वो बहुत थकान लगी है। मैं शिवरात्रि का व्रत भी नहीं लगा तो ये भी उस दिन से आ जा रही है रोशनी कपल लग छ सही में झूठ ना बोल पागल। अरे बात हुई थी जिंदगी में इनमें आए हैं अभी 2 गोगल्स ले चलते हैं बस ब्यूटीफुल कैसा लग रहा है गाइस आप लोगों को बताना। एक मामी जी ने पहना है देखो कौन सा अच्छा लगता है पहन के उसको भी पहन हमने सिर्फ फोटोज पहले तू पहन दोनों तब मैं उनके भी अरे मामी का दिखा दो ना 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 तब लूंगी पहले दोनों पहन मामी दूसरा वाला है ये मुझे तो ये कंफर्टेबल भी लग रहा है मुझे भी ये कंफर्टेबल लग ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। हां ये कंफर्टेबल भी है ना वो थोड़ा सा वो हो गया फैंसी टाइप है पर गीतू के लिए क्या गीतू के फेस में ठीक आ जाएगा वो गीतू के फेस के लिए फिट है। तो गूगल्स आए हैं तो ट्राई करने का सभी का बनता है। ये भाभी ट्राई बेनिजर भुट्टो बहुत ही सुंदर इनका तो फेस बड़ा सेट लग रहा है बेनिजर भुट्टो बनी है भाभी। और सेकंड वाला भी मामी पर ट्राई करके देते हैं हम लोग सभी लोग ट्राई करो। वो भी अच्छा है ये बहुत सुंदर लग रहा है मामी पे गोरा का लग है ना इसके फेस से बड़ा लग रहा है कब्बू पतली है ना तो बड़ा लग रहा है ये वाला पहन तेरे फेस से बड़े हैं दोनों दोनों अरे नहीं 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 वो पतले हैं उसके अच्छे रहेगा। फिर रिया को पहना रिया को भी लूज हो रहा है ये वाला लूज है ये रिया ये वाला ट्राई कर सिंगल लग रहा है पर भैया तुम दोनों वो कर लो थोड़ा सा मोटे हो जाओ थोड़ा मेरे को भी तो मेरा भी बन गया मैं भी ट्राई करूंगी। तो ये देखो मौसी पे ब्लैक वाला कैसा लग रहा है मेरा तो सेम था मौसी तो बहुत अच्छी लग रही है ब्लैक वाले में। अभी दूसरा ट्राई कर रही है मौसी तो ये भी मौसी पे बहुत सुंदर लग रहा है सूट के साथ तो ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। ठीक है इनको ना अपने आप पे बहुत प्राउड फील होने लग गया कि हमने सब सीख लिया है तो ये अब लूडो खेल रहे हैं। शाबाश त्रिमूर्ति और आंचल जिस दिन आएगी कुछ ना कुछ नई चीज सिखाएगी तू इनको है।
ये साथ साथ उनको एक दो मेहंदी के डिजाइन बताती, ये साथ उनको ये लूडो बता रही है ना। नहीं और ना तुमको डर लग रही है अब बहुत, तुम बकने कहा है कल से तुम बकनाली लगानी पड़ती है। रुक जाओ मतलब तो दोस्तों अभी बज रहे हैं 8 और मैं पहुंच चुकी हूं घर, और दिन भर के पूरे कार्यक्रम से शाम को कैसे हालत हो जाती है। तो अब पहुंची हूं, तो निपटाते हैं थोड़ा सा काम, मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को समाप्त भी करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। फिर मिलते हैं जल्दी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि जय उत्तराखंड।